80 साल का पुजारी धनश्याम दास जो एक 8 साल बच्ची के साथ गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया। पकड़ा कौन? उसका बाप। ये मामला है किधर का? उत्तर प्रदेश का, जिधर बोलता है कि बेटी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ये भी तो चाइल्ड है, बच्ची है, और ये जो पुजारी है कितना साल का? 80 साल का। तो हर भारतीय सोच सकता हो कि जो बूढ़ा हो गया पुजारी, इन लोगों का माइंडसेट कैसा है। तो ये गंदी हरकत करते हुए पकड़ा किसने? उसका बाप ने, खुद ने पकड़ा। और जो फोटो दिख रहे हो, पुलिस ने उसको पकड़ा और इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लग चुका है। अब मामला ये है कि इन जैसे पुजारी जो बच्चे को टारगेट करता है, इनके ऊपर ज़्यादा बड़ा बड़ा मीडिया बात क्यों नहीं करता कि उसका टीआरपी नहीं मिलेगा क्या? और मेन बात है, भारत की जो बेटी का सुरक्षा है, इसके ऊपर सरकार कब बड़ा से बड़ा एक्शन लेगा? जो चाइल्ड के साथ अगर कुछ गंदी हरकत, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए पकड़ा गया तो उसको तुरंत फांसी दे दिया जाए, उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, तो ये कब बनेगा वो हम लोगों को देखना है। बच्ची सच में कब सुरक्षित होगा? हर लीडर तो आके कह देता है कि बेटी सुरक्षित है, लेकिन जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देता। 80 साला पुजारी धनश्याम दास को कानपुर का आम जनता ने अच्छे से धुलाई किया।